दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, यूनानी कंसल्टेंट फर्म पुणे, चीफ कंसल्टेंट एट ग्रीक कैंसर केयर सेंटर पुणे। आज हमारे सामने एक पेशेंट है। आप कहाँ से है? अक्कलकुआ अक्कलकुवा से है पेशेंट। पेशेंट कौन है? मोहम्मद हुसैन, कौन पेशेंट कौन है? आप दोनों में से पेशेंट कौन है? ये हमारा भाई छोटा भाई, भाई। क्या तकलीफ है तीन को? इनको जो है जबान पर कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, फिर कब की बात है ये? यह आज से तकरीबन 2 महीने पहले। जी 2 महीने पहले की बात है। तो जी 2 महीने पहले मालूम पड़ा था ना मालूम पड़ा, कैंसर हुआ बोल के। थोड़ा जैसे 1-1.5 साल से चल रहा था वो मरीज। जी थोड़ा तकलीफ थी। जी तो आप लोग 2 महीने पहले हमारे पास आए ना? जी आप लोग पुणे आए थे ना? जी हाँ, उन्हें हम पहले मुंबई आए बम्बई आपके आए थे पास। मेरे पास, जब मैं जी बम्बई में था जब आए थे, जी उस टाइम पे इनको काफ़ी तकलीफ थी। जी ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बस हमारे जो है डॉक्टर अयाज साहब थे हमारे अकलकोई में, उन्होंने जो है आपका पता दिया। मेरे बोले डॉक्टर मस्तान है, पूना वाले हैं, बोले आप जो है दवा खाने में लेकर जा रहे हैं, ये इतनी बड़ी मुजीर बीमारी है, लेकिन तुम अगर लेकर जाते तो कैंसर जो है, कैंसर के जो मरीज़ है वो इत्मीनान बख्श नहीं होते हैं ऑपरेशन करने के बाद में भी। अगर आप यूनानी या आयुर्वेदिक से कोई इलाज करते हैं तो आगे चलकर जो है उसका कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट निकलेगा। तो बेहतर यह है कि आपको मैं एक डॉक्टर का पता देता हूँ, आप उसके पास जाइए, वो क्या सलाह देते हैं फिर उसके ऊपर आप अमल करिए। हालांकि हमने आपको ऑपरेशन से मना नहीं किए थे, ठीक जी है? मैंने हाँ आपको खुद बोला था ऑपरेशन भी कीजिए, रेडिएशन भी कीजिए और कीमोथेरेपी भी कीजिए जी मेरे इलाज के साथ, जी 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 लेकिन आपका अपना एक फैसला था कि आपको ऑपरेशन और कीमो नहीं करना। रेडिएशन नहीं करना है। जी 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 आज हमारे पास इलाज शुरू करके कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने पूरे हो गए। जी 2 महीने में क्या आराम हुआ? माशाल्लाह, पेशेंट तो आपके सामने ही है। पहली मर्तबा जब लाए थे तो जब क्या पोजीशन थी, जब दूसरी मर्तबा लाए थे फिर आपने उसकी पोजीशन देखी, फिर अब तीसरी मर्तबा आपके पास में आए हैं। आप बताओ, पहले मर्तबा में क्या पूछा? एक तो जबान पे बहुत बड़ा जख्म था, बहुत ज़्यादा बड़ा जख्म था उसका। अभी उसमें से मेरे ख्याल से 60-70% खत्म हो गया है जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ टॉर्च बताओ, आ करो अंदर, टॉर्च बताओ। दोस्तों ये देखो, ये जो इनका जख्म दिख रहा है ये 70% खत्म हो चुका है। ये फर्स्ट वाला मेरे पास है इसका पिक, लेकिन अभी खैर वो कंपेयर करने के लिए वो फर्स्ट वाला पिक अपन डाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको तो लग रहा है काफ़ी कम हो गया ना, जी जी उसके अलावा दर्द कम हो गया है, जी बातचीत कर सक रहे, बातचीत कर सक रहे हैं, वो खुद ही जो है आपको बता रहा, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ सुकून है। में है अभी। जी और अच्छा दूसरी बात है कि इससे पहले 49 किलो वजन था, अब जो है 52 किलो होगा उसका, चलो, 2 किलो वजन और बढ़ गया उसके, 3 किलो वजन तीन बढ़ गया। किलो वजन बढ़ गया। जी चेहरे में भी जो है तरोताजगी आई है, जी जी फ्रेशनेस जी आया है, जी कैंसर का बहुत सारा एरिया कम हो गया है। जी हालांकि अभी जी 2 ही महीने हुए, जी 2 महीने में भी अगर इतना फर्क है तो ये भी बात लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। इंशाल्लाह और 2-4 महीने में ये मसला हल होने की पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने मेहनत की, आपने डाइट हमारा फॉलो की, आपने मेरी दवाइयाँ सही तरीके से वक्त पे दिए, और आप अक्कलकुवा से पूना या बॉम्बे जब भी आता हूँ मैं, आते हैं और इलाज करते हैं, जी जी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपकी मेहनत है, उस मेहनत का सिला ये है कि आपके पेशेंट काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। जी 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 दोस्तों इनका जो फेस देखेंगे आज आप, ये बहुत सुकून में है। ये इसके पहले आए थे तो तड़पते थे, पेन के मारे बेचारे परेशान थे, जबान से लेकर तो गला सर पूरा सीवियर पेन और एकदम तड़पने वाली कंडीशन थी। आज ये अलहमदुल्ला बहुत सुकून से, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मोहम्मद आपका नाम क्या है? हुसैन हाँ, आमिर। ये जो बात कर सक रहे हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात कर सक रहे हैं। ये तो इसके पहले तो बहुत तकलीफ में थे, बात ही नहीं कर सकते थे, ठीक है ना? जी चलो, सीए टंग का यूनानी में बहुत अच्छा इलाज है। हमारा अपना एक ओपिनियन है कि आप कीमो रेडिएशन सर्जरी भी कीजिए हमारे इलाज के साथ, ठीक है? अगर आपको नहीं करना है किसी वजह से, आपकी मजबूरी, आप पैसे, आप नहीं करना चाहते, तो भी हमारे इलाज से जो है फ़र्क पड़ता है। यूनानी मेडिसिन से पेन कम होता है, लिजन धीरे धीरे कम होता है। हाँ, और ये पेशेंट उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।